इंटीग्रेशन में चलते हैं साहब, 1 + 2x² अपॉन में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू में 1 + x² राइट है भाई। ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैप्शन देता हूं, हमेशा मजा आ जाता अगर, सही है भाई, मजा आ जाता अगर, ठीक है, कब मजा आ जाता मैं सोचो जरा, मजा आ जाएगा आपको भी, सोचो मजा आता अगर कल को ये 1 + 2x² नहीं होता, क्या होता 1 + x² अगर 1 + x² होता तो क्वेश्चन आता छट, क्या कहते हो आप, तो मजा ले लेते ना, जिंदगी में किसी ने रोका थोड़ी ना, आप ही रुके हुए रहते हो। सोचो 1 + 2x² है ना, इसको 1 + x² नहीं कर सकता क्या, कर लिया ना लोग, आपको समझ में आया। अच्छा नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, x² × 1 + x², एक जल्दी से बता दो कि क्या मैं ये ब्रैकेट अपनी मर्जी से डाल सकता हूं, क्या कितने लोगों को पता है मैंने ये ब्रैकेट क्यों डाला होगा, ताकि मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं, जिस दिन मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया 1 + x² / x² × 1 + x², और यहां पर देखा जाए तो x² / 1 + x² ऐसा लिख दूं, अलग अलग डिवाइड करना इसी को तो कहते हैं, फिर आपको पता है ये तो 67 और ये 67 कितने लोग, अरे अरे ये सोचो 1/x² का डेरिवेटिव -1/x, अच्छा इसका आंसर -1/x प्लस, एक सेकंड किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, सोच के देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है, मैं बोलता हूं मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, कितने लोगों को याद है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 − x² लिख दो, एक मिनट अब मेरे को लिखने दो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो -1/√1 − x², टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1/√1 + x², कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो -1/√1 + x². देखो आप जब भी टेन इनवर्स बोलते हो सही बोलते हो, सबके सुर पकड़ में आते हैं, कॉट इनवर्स का बोलते समय आपका माइनस से मन हकला जाता है, बोलते नहीं हो सुर बदल जाते हैं एकदम से। अच्छा कितने लोगों को ये थोड़ा भारी है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1/√x − 1। अभी भी आपको याद नहीं है, चैप्टर खत्म होने को आ गया, ठीक है ना, नहीं आप भी जान दो, जो नहीं बोला ना, आप में से जिसको याद है वही बोला कि याद है √x. कितने लोगों को लगता है कि याद करने के लिए सिर्फ 3 थे, याद है कि नहीं, साइन टेन और sec, साइन टेन sec, बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली उनका माइनस फॉर्म था, क्या याद है आपको। अब मैं उल्टी बात पूछता हूं कि कितने लोगों को यह बात पता है कि कल को अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव से निकला है ना, तो कितने लोगों को पता है कि मैं इंटीग्रेशन में आपसे लिखवा लूंगा कि 1/√1 − x² · dx कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा कितने लोगों को पता है कि -dx/√1 − x² का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x + c, क्या आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा कितने लोगों को पता है dx/√1 + x² का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x + c, राइट है, -dx/√1 + x² का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स x + c, ठीक है, ये बहुत काम का है, dx/√x² − 1 राइट भाई, इजिकल टू में कितना है sec इनवर्स x + c, ये मॉड वगैरह का एग्जाम तो आप अपनी कॉपी में कर लोगे ना, हाँ यार, अब ये चीज अपन इसके बाद कॉपी करेंगे, किस क्वेश्चन के बाद, उस क्वेश्चन के बाद, हाँ भाई तब तक आप मुझे बताने वाले थे dx/√1 dx/√1 + x² क्या लिखो tan इनवर्स x + c, क्या आपको कहानी पकड़ में आई, हाँ भाई एक मिनट, अभी कॉपी नहीं करना, एक साथ कॉपी करना, करना तो पूरा बोर्ड भर दूं फिर आप कॉपी करना। कितने लोगों को पता है कैप्शन का नाम क्या है, मजा आ जाता अगर, है ना भाई। अच्छा एक मिनट, अब जल्दी से सोच के जवाब दो, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दे रहा हूं 1 + x² अपॉन में, नीचे दे रखा है x · 1 + x² · dx, क्या लगता है मजा कब आता आप में से किसी को, इसमें मजा कब आता, नीचे क्या है, नीचे क्या है 1 + x², ऊपर क्या होता,
ऊपर होता, अगर ऊपर क्या होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कितने लोगों को लगता है ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या नहीं है? है पक्का? ओपन कर दो. तो कितने लोगों को पता है कि ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 2x, और दोनों के नीचे ये अलग अलग बांट दूं या एक स्टेप खराब करूं? बांट दो. तो यहां पे लिख देता हूं x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, और दो इंटीग्रेशन का प्रसाद अलग अलग कर दिया. क्या मेरी जरूरत है या कर लोगे? एक मिनट जरा करने से पहले बता दो, ये और ये कट गया है, मन से देख लो क्या बचा. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, 1 अपॉन एक्स का ln x. अच्छा ये कटा, 2 किधर जाएगा? बाहर. बचा क्या? dx डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक मिनट, मेरे इंटरेस्ट की बात. 2 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपी हो जाएगा है ना? बिल्कुल, वेरी गुड. हाँ भाई, हो गया क्या अभी ये? क्योंकि जो कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी करते रहना साथ में. मैं आपको ट्रिगो वाले फॉर्मूले बता देता हूं इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है? वो भी आप और याद कर लें. जो आपको याद रखना है वो ये है, dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? dx डिवाइड बाई इतना, और आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है? dx डिवाइड बाई माइनस dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, राइट है? dx डिवाइड बाई सिर्फ काम काम के फॉर्मूले लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. एक मिनट जरा थोड़ा सा, क्योंकि आपने से कई लोग जब तक कॉपी करने में बिजी हैं तब तक जो जो भी फ्री हैं वो मेरे साथ जोड़ लें. मैं इसका डिफरेंशिएशन मांगना चाह रहा हूं आपसे. आप में से कई लोगों का धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस बन जाएगा. टेन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और फिर एक्स बाई ए का भी तो होगा. ये तो टेन इनवर्स का करा, एक्स बाई ए का 1 अपॉन ए. रुक करके सोचना है ना भाई. अच्छा अब जरा देखिएगा, एलसीएम लेना आता है आपको. एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर. श्योर है? ए स्क्वायर से ये वाला ए भी कट गया तो भी कितना बचेगा? ए. और आगे कौन बैठा है? 1 अपॉन ए. क्या पूरा पकड़ गया? बचेगा कितना? बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन है. एक मिनट, अब जरा ऊपर की तरफ चलते हैं धीरे 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 धीरे. आप में से कई लोग थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि कई दिनों के बाद पकड़ में आए हुए ना, ठीक है? अच्छा, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट देखते हैं, ये भी सही है कि नहीं, क्या कोई कमी है कि नहीं. अच्छा 1 अपॉन ए लिख देता हूं. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और एक्स बाई ए का 1 बाई ए. अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, आपको एक कमी दिखाई देगी, अगर दिखती है तो देखना. एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो अंडर रूट में ए स्क्वायर है वो ऊपर जाकर के ए से कट गया, बाकी क्या बच गया? 1 बाई ए. तो आंसर में बचा कितना? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे एक और ए बच गया. क्या यही लिखा है? क्या नहीं लिखा? इसका मतलब ये वाला ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. अगर ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए. तो याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर इसके इंटीग्रेशन माने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के इंटीग्रेशन में आगे 1 अपॉन ए नहीं होता है, राइट है ना भाई? ये नहीं होता है. इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप में से कई लोग कॉपी कर रहे हैं तब तक हम में से कई लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये बात सही है कि गलत है. टेन इनवर्स में होता है, ठीक है? अच्छा, मेन फार्मूले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले है ना वो यही है. इंपॉर्टेंट फार्मूले अभी पहला, दूसरा, तीसरा, और डायरेक्ट चौथे पे बात कर लेते हैं. डीएस डिवाइड बाई मॉड एक्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? और आंसर में हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है? चेक करके आइएगा घर पे कि सही है कि गलत है, ठीक है? हालांकि मुझे तो ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है सही मायने में, जो मतलब क्लास के खत्म होने तक चेक करके रख लें. मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसे 10 बार स्टूडेंट हो गए ना तो धक्का देते 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 वो रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे पूरा, है ना? एनीवे चलता हूं आगे.
कितने लोगों को ये याद है कि x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 क्या करूं? क्यों डिवाइड क्यों? ऊपर की पावर ज्यादा है, ऊपर की पावर ज्यादा है, तो ऊपर की पावर ज्यादा तो डिवाइड करते हैं, राइट है। अच्छा एक और चीज भी याद रखिएगा, एक और इसे भी मैनिपुलेशन बोलते हैं, मैनिपुलेट करता हूं सब। मैनिपुलेशन में क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, ये भी डिवाइड करने का एक तरीका है। देखते हैं आप में से कितने लोग ये बात समझ रहे हैं, रेडी? समझाऊं? हाँ भाई जरा ध्यान से देखना, x की पावर 4 में अगर मैं एक घटाऊं और एक जोड़ दूं, कोई गड़बड़? अच्छा नीचे की तरफ मैंने ऑलरेडी क्या लिख रखा है, x स्क्वायर प्लस 1। कितने लोग ये जानते हैं कि ये मैं जब भी लिखता हूं तो जरूर कोई ना कोई एक जानबूझ के ब्रैकेट क्रिएट करता हूं, और ब्रैकेट क्रिएट करते ही आप में से कई लोगों को समझ में आता है मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा। तो जैसे इसका डिवाइड इसमें होगा, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, इस 1 में थोड़ी ना डिवाइड जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है क्या भाई? अच्छा कितने लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का बोलो, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का बोलो एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलो टेन इनवर्स, बोल रहे हो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये तीसरी बार हो रहा है आपके साथ, नहीं समझे लिख लो फटाफट से लिखो x क्यू बाई 3, जो जो भी लिखना है आप अपना आंसर लिखो, कोट करो फटाफट। इसका आंसर अच्छा चेक कर लिया क्या? दो 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 मिनट, एक मिनट आप लास्ट में बात करेंगे अपन। गुड, वेरी गुड। क्या आप ये जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है x माइनस 1 x प्लस 1? आप टाइम ज्यादा ले लेते हो कॉपी करने में, कई लोग बहुत राइटिंग संभालते हैं, इतना नहीं लगाना है, कितना है इसके? अब वो देखूंगा, बार 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 बात करूंगा सिर्फ इस पर, चेक करने का दिया। हाँ भाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, x 1 का x, इसका tan इनवर्स x, बोलना सीखें tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है चलो आगे। ये तीसरी बार हो रहा है tan इनवर्स x भाई, अब थोड़ा सावधानी से। हाँ भाई कितने लोगों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के टुकड़े होते हैं? इतने। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1 को कितने लोगों को ब्रेक करना आता है? बोल सकते हो? पहले क्या लिखूं बाहर? एक्स माइनस 1, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आया ना? अच्छा जल्दी से इस चीज पे भी गौर कीजिएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 को तोड़ता हूं, सोचना एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, श्योर करो। लेकिन आप में से कई लोग जानते हैं इसके फिर टुकड़े हो सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। आज एक छोटा सा काम और करो, एक्स माइनस 1 को तो पढ़ा रहे दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई बोलो आप, एक्स इंटू दिस एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 एक्स, बैठे भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई बोलो एक्स स्क्वायर, 1 और 1 की 1, क्या ख्याल है? अब जरा सोच के देखना, मैं जो कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना, ये मिटाकर मैं ऊपर लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दूं? हाँ भाई मैं लिख रहा हूं इस बात को, लिखा क्या है, x माइनस 1 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कितने लोगों की खोपड़ी काम कर गई? काम कर गई, सही है। कितने लोग ये बात समझते हैं कि आगे से जिंदगी में कभी z की पावर 18 माइनस 1 लिखा है तो उसके टुकड़े होंगे, z माइनस 1 z की पावर 17 प्लस z की पावर 16 डेट डैश z प्लस 1, बोलो हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? कितने लोग ये छोटी छोटी बातें अब और जल्दी से कबूल कर लेंगे, राइट है भाई? ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना भाई, यहां से यहां तक जो लिखा है वो लिखा है समेशन में z की पावर r, r इक्वल टू 0 से लेकर के 17 तक। बोलो कबूल है? एक बार या तीन बार? एक बार सर, इतना भी दिन थोड़ी ना खराब है। हाँ भाई ये वाली बात समझ में आई? तो अब आप में से कितने लोग, सुना ये सब कॉपी करने का नहीं है, जल्दी से सोच के जवाब देना कि अगर मैं आपको क्वेश्चन में देता x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 डॉट dx, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क है? कितने लोगों को दिखता है कि सर आपने अभी भी सिखाया था कि ऐसा हो तो प्लस 1 माइनस 1, सिखाया था कि नहीं सिखाया था अपने घर से? तो ये लिखा x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, किसके नीचे? दोनों के नीचे। किसके नीचे गया तो बोलो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बात समझ में आई? और यहां से बच गया 1 अपॉन x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन मत बोलो, इसका बोलो ln 1 अपॉन x का ln x, 1 अपॉन x माइनस 1 का ln
बोलो तो सही, एलेन मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी, राइट है, इसका एक्स की बार 4/4, एक्स की बार 3/3, एक्स की बार 2/2, और ये एक्स, राइट है। आई जस्ट नीड 15 गुड स्टूडेंट्स, 15 अच्छे स्टूडेंट, बाकी वो खींच के ले जाएंगे पक्का, 15 अच्छे स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ 15 अच्छे स्टूडेंट, पूरा बैच खींचते हैं, ठीक है, हो जाएगा कॉपी, हो गया कॉपी, फटाफट। हाँ भाई, आप बहुत स्लो खेलाते हो भाई, बहुत स्लो। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कितने लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे आ गए 1 - हाँ वेरी गुड, एक मिनट एक मिनट, तब तक आप में से कितने लोगों को पता है कि ऊपर वाले को वो ब्रेक कर सकते हैं, किसी की पावर 8 को ब्रेक करना आता है, हाँ भाई, कितने लोग बोलेंगे यहां दो ब्रैकेट खोल रहा हूं भाई, पहले ब्रैकेट में क्या लिखो, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, अगले ब्रैकेट में साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x, उसके फिर टुकड़े करो, बोलो बोलो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1, कितने लोगों को क्लिक करा, क्लिक कर गया, है ना भाई। अब थोड़ा बड़े बच्चों को, जिसको भी डाउट हो यहां डी लिख दिया करो, लास्ट में आकर पूछ लो, 5 मिनट तो जिंदगी का खराब करूंगा, है ना, ये बात समझ में आई आपको, 1 को, है ना भाई। अच्छा, नीचे की तरफ बहुत ध्यान से देखना, कितने लोगों का पता है कि ये लिखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, हवा लगी, कल सिखाया था उसका उल्टा है ये, और ये कितने लोगों को पता है ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 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 कॉमन ले लिया, अंदर है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर उर्फ कितना कॉस 2x, माइनस कॉमन लेते ही अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, भूल गए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, माइनस में कितना कॉस 2x, माइनस तो ठीक है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन बोलो, हाँ कॉस 2x का इंटीग्रेशन भूल गए, कॉस एक्स का साइन एक्स, तो कॉस 2x का साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी, आज भी जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत शुरुआत है, आज के दिन भी अगर वो घर जा करके पक्के तौर पे अगर वो जीएन बर्मन लगाते हैं, ठीक है, 100% पकड़ लेंगे गाड़ी। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन में आऊं, कितने लोगों ने अभी अभी क्या बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस 2x, कॉस 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, हाँ पहला, इसके बाद वाला कौन सा, 1 - 2 साइन स्क्वायर, इसका मतलब कॉस 2x, और एक और 2 cos² x - 1 बोले तो कॉस 2x, वो बाद में, ये यहां तक याद है कि नहीं, है ना, अच्छा देखते हैं, कॉस 2x माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में नीचे लिखा है कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा डॉट डी एक्स, ये लिखा हुआ है, हाँ भाई एक स्टेप में लिख रहा हूं, अगला आप लिख रहे हैं, राइट है, कॉस 2x को ब्रेक कर रहा हूं तीसरे फॉर्मूले में, कॉस 2x का तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो कॉस 2x की जगह लिख रहा हूं 2 cos² x - 1 लिख दो, तो कितने लोग सोच सकते हैं कॉस 2 थीटा की जगह क्या होगा, बोलो 2 cos² θ - 1 अपॉन नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा डॉट dx, एक बात बताओ जल्दी से, कितने लोगों को पता है 1/1 ऐड होगा कि कटेगा, कट गया, क्या कॉमन आ गया जल्दी से बोलो, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बोलो जल्दी से, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से कट रहा है क्या, क्या बच रहा है बोलो, कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा डॉट
dx. क्या आपको बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? x के. तो थीटा कैसा हुआ? कांस्टेंट. कांस्टेंट कहां जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन बोलो. cos x का sin x. तो cos थीटा तो इंटीग्रेशन के बाहर. dx का x. तो x into cos थीटा प्लस c. आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो भी cos थीटा के लिए यही करते या गलती हो जाती? आपसे गलती हो जाती? नहीं होता पक्का? चलो अगली बार. हार नहीं मानूंगा. नोट. हाँ भाई कहाँ बेटा? हाँ भाई अगले बार देखो. मैंने आपके लिए अगला जाल बुन लिया. कौन बोलेगा? टू साइन या कॉस? कॉस. टू कॉस स्क्वायर बेटा. इसकी जगह? इसकी जगह cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर. वेरी गुड. ये cos थीटा माइनस sin थीटा का. हाँ ये रह रह के प्रैक्टिस करो. इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा प्राण पीने वाली चीज ट्रिग्नोमेट्री है. या वो कहीं नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल हिले नहीं देगी. इसलिए बार 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 मैं आपके साथ हूं. आप चिंता ना करें, मैं रह रह के आपको याद दिलाऊंगा. कुछ तो बनेगी काम धीरे धीरे. हाँ भाई चलो अगला प्रसंग है. इंटीग्रेशन में दे रखा है cos x माइनस sin x अपॉन, नीचे दे रखा है cos x प्लस sin x. राइट है भाई? मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 प्लस 2 sin 2x डॉट dx. बात करना चाहूंगा. बहुत छोटी सी बात है. मैं आपके से इस मामले में बात क्या करना चाहता हूं. देखो cos माइनस साइन को मैं टच नहीं कर रहा, नीचे cos प्लस साइन को मैं टच नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इसमें कुछ कॉमन आ सकता है? बता दो आप. टू बार ले जाऊं, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है? वन प्लस साइन टू एक्स. कितने लोगों को पता है वन प्लस साइन टू एक्स? अभी भी फार्मूला हुआ है. किसी का होल स्क्वायर. कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. लिख दो. एक मिनट मैं लिख रहा हूं भाई, इसको लिख रहा हूं. कितना कितना बताया आपने? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स कर दो. कितने लोगों को पता है ये और ये कट गया? कितने लोगों को पता है अंदर क्या बना? डायरेक्ट बोलो cos cos 2x. कोई नहीं बोला था. कितने लोगों को लगता है cos 2x? हाँ या ना? क्योंकि आप बोल रहे थे cos square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स. और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोले तो कॉस टू एक्स. अभी अभी बात हुई थी ना. कॉस टू एक्स डॉट डी एक्स. और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन बोलो साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू. टू किसका? टू एक्स का है ना. छोटा सा क्वेश्चन. टेन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डॉट डी एक्स. हाँ भाई नो टाइम वेस्ट. परसों बता रखा है, सीधी बात रखूंगा. आप में से कोई अगर संभाल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहीं ना कहीं है ना बता मैंने रख रहा है. अब देखना जरा, किसी फार्मूले के डेरिवेशन के दौरान मैंने बताया था कि sec x प्लस tan x का मतलब tan pi बाई फोर प्लस x बाई टू होता है. क्या मेरी बात हो चुकी है?
सही है? तो कितने लोगों को पता है ये और ये हट जाएगा, क्योंकि पास में कोई इंटरवल नहीं दिया, इसलिए डायरेक्ट कटेगा। वरना आईटीएफ में टीएफ हमेशा इंटरवल देख के हटाते हैं, राइट है? क्योंकि कुछ दिया नहीं है इसलिए डायरेक्ट कटेगा। और यहां क्या रह जाएगा? सिर्फ y बाई फोर प्लस एक्स बाई टू डॉट dx। अब जल्दी से जवाब देना, बहुत ध्यान से, इस बार भी गलती नहीं करना, ये बार बार हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। पाई बाय फोर, पहली बात कितने इंटीग्रेशन, दो, इसका अलग इसका अलग, पाई बाय फोर बार, अंदर क्या रह गया dx, अंदर क्या रह गया dx, तो कितना आंसर हुआ dx का x, तो आंसर बोलो पाई x बाय फोर, पकड़ में आई बात, पाई x बाय फोर पकड़ में आया। अच्छा x बाय टू का इंटीग्रेशन बोलो, 1 बाई टू बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्या आपको बात पकड़ में आ रही है? नहीं आई, सही है ना? हाँ, ये छोटी बात है लेकिन अब ये बता चुका हूं, ठीक है? मैं आपको पता नहीं, मैं जो जो चीजें मैं आपको करवाता जा रहा हूं ना, ये मैं धीरे 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 इन जगहों से और हटता जाऊंगा, लेटर ऑन धीरे धीरे कम हो जाएगा सब, इनकी फ्रीक्वेंसी हटानी पड़ेगी नहीं तो। अच्छा फ्रीक्वेंसी पे याद आए, फ्रीक्वेंसी पे याद आ गया, ये देखो ऐसी बातें बोलते बोलते याद आती हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी पीरियडिक फंक्शन, हाँ भाई, किसी पीरियडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन एक पीरियडिक फंक्शन हो कोई जरूरी नहीं, ठीक है? जो बात मैं बोल रहा हूं उस पर कायम रहूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को आपको एक साथ बहुत सारी जगह टच करने का मौका मिल जाता है, आपको पता नहीं, आप मेरे को बहुत ज्यादा मौके दे रहे हो, लेट्स सी, देखना अभी आप में से फिर कोई मौका देगा, पकड़े? सोचने का जगह, आपको खुद ही फील आ जाएगा यार मैं ही पकड़ा गया था। वन प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, कितने लोगों को याद है? अभी अभी एक फार्मूले बताती थी, वन प्लस कॉस एक्स, बोले तो लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, मिटा दिया। वन प्लस कॉस एक्स का मतलब टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, श्योर है ना भाई? तो ये लिख दूं एक बार के लिए, ये लिखा है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, रुकना रुकना रुकना, ऐसे बस ऐसी बात करो। कितने लोगों को पता है कि टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का पीरियड बोल सकते हैं? बोलो एक सेकंड, याद है कॉस स्क्वायर होते ही पाई या टू पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पाई या टू पाई, पाई, राइट है ना भाई? तो मैं लिख दू इसका पीरियड है पाई डिवाइड बाई, पाई डिवाइड बाई एक्स का कोफिशियंट कितना है? एक्स का कोफिशियंट वन है कि वन बाई टू? तो जो कोफिशियंट होता है उसका डिवाइड, तो आंसर कितना हुआ? टू पाई, इसका टू पाई क्या आया? पीरियड। इसका मतलब कैसा फंक्शन है? पीरियडिक, है ना भाई? ये पीरियडिक फंक्शन है, ये तो बस सिर्फ ये बताने के लिए कि इसका पीरियडिक फंक्शन है। अब कितने लोगों को पता है कि वन का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, कितने लोगों को पता है ये कैसा फंक्शन, पीरियडिक या अपीरियडिक? पीरियडिक। और ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ रिपीट होता है, एक ही बार बनता है, इसका मतलब पीरियडिक या नॉन पीरियडिक? और याद होगा नॉन पीरियडिक और पीरियडिक, नॉन पीरियडिक होता है, समझ में आया? जब भी ये पीरियडिक था मैंने इसका पीरियड निकाल के बता दिया था, ये अपने आप में पीरियडिक है, और आंसर कैसा है? नॉन पीरियडिक, ठीक है ना? लिख लेना पीरियडिक। अचानक से फ्रीक्वेंसी ये बात निकली और बात से बात बन गई, और आपको पूछने का मौका भी मिल गया कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अगला क्वेश्चन, एक्स की बार 51, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स नॉट डी एक्स, करिए। पाई बाई टू है ना भाई, तो ये बन गया पाई बाई टू इंटू में एक्स की बार कितना 51 डॉट डी एक्स, पाई बाई टू किधर गया? बाहर, तो इंटीग्रेशन में रह गया एक्स की बार कितना 51, तो पाई बाई टू का पाई बाई टू, एक्स की बार 51 का एक्स की बार 52 डिवाइड बाई 52 प्लस सी। मुश्किल आसान, आसान श्योर है? अब एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता देता हूं, जिनसे वो नहीं बना इस पर अपना हाथ आजमा लें, शायद काम बन जाए।
हाँ भाई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दे रखा है अंडर रूट में एक्स माइनस थ्री और ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एलएन एक्स प्लस कॉस इनवर्स एलएन एक्स, और एलएन एक्स लिखने की बजाय मैं लॉग एक्स बेस ई लिख लेता हूं, ज्यादा एक ही तो बात है, लॉग एक्स बेस ई, ताकि आप में से कई लोग जल्दी समझ जाए। इससे पहले कि आप इसको पाई बाई टू करो, ठीक है ना, पाई बाई टू करने से पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं, ठीक है भाई। कितने लोगों को पता है कि लॉग एक्स में जो एक्स होता है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, जीरो से बड़ा, पक्का है ना भाई? अच्छा, और धीरे 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 समझूंगा मैं आपसे एक बात, लॉग एक्स में एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये चाहता है कि हमेशा अंडर रूट चाहेगा कि एक्स कैसा रहे, एक्स माइनस थ्री भी जीरो से बड़ा, माने एक्स की वैल्यू आता है तीन या तीन से बड़ी, ये बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे एक्स की वैल्यू अगर तीन से बड़ी है तो लॉग तीन बेस ई, क्योंकि एक्स तो तीन से छोटा ले ही नहीं सकते, तीन से छोटा लेते इसका दम घुट जाएगा। अगर मैं तीन लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं तीन लेता हूं तो ये लॉग तीन बेस ई बनेगा। कितने लोगों को पता है ई की खुद की वैल्यू 2.7 होती है, आइए ना। अच्छा, अगर ये एग्जैक्ट 2.7 होता तो 1 होता, लेकिन ये 2.7 से बड़ा है कि छोटा? अगर ये 2.7 से बड़ा है तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, एक से बड़ा। श्योर है ना भाई? एक से बड़ा, पक्का है ना भाई? एक से बड़ा। और अगर ये एक से बड़ा है तो साइन इनवर्स को पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी बैठा है वो थ्री बेस ई है, हाँ या ना? तो आप में से कितने लोगों को पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा है वो एक से बड़ा है? और आपको पता है साइन इनवर्स कितना ले सकता है, कहां से कहां तक? माइनस वन से वन। एक से बड़ा ले सकता है कि नहीं ले सकता? नहीं ले सकता, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? वो एक से बड़ा ले ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कि अगर भाई दिवेश साइन इनवर्स के अंदर अगर आपने एक से बड़ी वैल्यू डाल दी तो साइन इनवर्स बगावत कर देगा, हाँ या ना? और अगर आपने एक से छोटी वैल्यू डाली तो लॉग अंडर रूट गड़बड़ कर देगा, नहीं है? आपको मेरी कहानी पकड़ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये कि अगर ये जिया तो ये मरेगा और अगर ये जिया तो ये मरेगा, कहानी पकड़ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये कि इस पूरी कहानी में कोई दुनिया में ऐसा एक्स नहीं है जो पूरी कहानी को सेटिस्फाई करे, बात समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब नो सच फंक्शन अवेलेबल, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, कहानी बंद। और जो फंक्शन ही नहीं है तो काय का इंटीग्रेशन, ठीक है? साइन इनवर्स एक से बड़ा दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? लिख लो, ये बहुत अच्छी बात है, नॉट पॉसिबल, तो लिख लीजिएगा, हेंस नो एक्स फॉर विच फंक्शन इज वर्किंग, राइट है? कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए, कोई ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए फंक्शन काम कर रहा हो। इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस ई प्लस कॉस इनवर्स लॉग एक्स बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये दो क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं करने हैं, ये मैं आपसे सिर्फ ऐसे ही आपकी राय शुमारी के लिए पूछ रहा हूं। कितने लोगों को याद है? याद है? एक मिनट, हाँ बोल तनवीर, बोल क्या, इसको क्या लिखूं? टेन थ्री एक्स माइनस टेन, एक मिनट उसको बोलना, माइनस टेन एक्स। अच्छा जल्दी से बोलो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो बेटा, लॉग लॉग मॉड सेक एक्स, ये कह रहे हैं लॉग मॉड सेक एक्स, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कितने लोगों को पता है लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन? वन अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, अरे भूल जाते हो आप, धीरे धीरे सोचते हो, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, बोलो हाँ या ना? अरे इधर देखो ना यार, अरे आपको पता है यार, 8:30 थोड़ी बजे तो आप ऐसे देखने लगे। हाँ भाई, इंटरेस्ट को नहीं बदल गया ना आपका? अच्छा, हाँ भाई, लॉग सेक एक्स पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे? लॉग का, कितना? वन अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक और सेक कट गया, क्या बच गया? टेन।
सही है ना। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कितने लोगों को ये भी ध्यान है कि अगर कल को cos 3x इंटू में cos 5x लिखा हुआ है तो मेरे को क्या करना चाहिए? टू लगा दो, पहले टू लगा दो। चलो टू लगाया, 1/2 करा, फिर क्या करूं? इसे प्रोडक्ट का फार्मूला इसे किस में बदल दूं? सम में। याद आ गया? सम या डिफरेंस में, याद आ रहा है ना? हाँ, ये धीरे 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 आपको, मैंने कहा ना मैं 15 बच्चे ढूंढ लूंगा आप में से 15, हमने पिछले बैच में ढूंढ लिए थे 15 बच्चे, हमारे को उस बैच में मिल गए थे, जबकि वो तो आपका आधा था, तो भी हमारे को 15 ऐसे बच्चे मिल गए। आज भी देखो मैं खट्ट पूछता हूं, आप में से कई लोग सुनते हो जवाब आता है, आपने भी ढूंढ लूंगा मैं, चिंता मत करो मैं। हाँ, अरे मोशन की खासियत यही है। हाँ भाई, ये मैं, हम में से कई लोग कोई बात नहीं करेंगे, आप देखो अभी बस कोई बात नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। इसे ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, इसे चाहिए टू, बाहर आ गया 1/2, बाहर आ गया 1/2, याद रखना। अरे याद है ना, टू मिलते टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्या बना? साइन 2x, याद रखना साइन 2x, ये क्या लिखा है? कॉस 2x, साइन 2x इंटू कॉस 2x को क्या चाहिए? टू, तो बाहर आ गया 1/4, फिर ये क्या बन गया? साइन 4x, लिख दो साइन 4x, लिख दो साइन 4x और कॉस 4x को क्या चाहिए? टू, तो बाहर आ गया 1/8, ये बन गया साइन 8x, लिख दो साइन 8x, बेटा भाई इसको और इसको क्या चाहिए? तो बाहर आ गया 1/16, वेरी गुड। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया? साइन 16x, और कितने लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन संभव है कि नहीं? माइनस कॉस 16x डिवाइड बाई 256, क्या बात है, सही है कि नहीं? अरे कोई रह तो नहीं गया, चलो आगे अगला, ठीक है। देखो धीरे धीरे आप में से कई गेहूं की चमक बढ़ने लग रही है, बढ़ेगी, ये तो इतना चमकेंगे आप चिंता मत करो। आपको दो काम करने चाहिए जिंदगी में, एक तो होमवर्क और एक विश्वास, जिस पे भी आप करना चाहें, आंखें बंद करके। हाँ भाई चलो, अरे हम दुनिया में किसी भी धर्म के हो, ठीक है, हम सभी उस चीज पे यकीन करते हैं जो किसी ने नहीं देखी, इससे क्या बेसिक हो सकता है विश्वास का? करते ही ना, है ना, ताली और गाली इनसे हमेशा डरता है इंसान, पता है आपको? राम जाने कौन से रूप में आई। हाँ भाई इंटीग्रेशन में आ जाओ, क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट डीएक्स, बहुत ध्यान से देखना, अब आएगा मजा तो खेल का, अब सही जगह पहुंच गया आप, रेडी? बहुत ध्यान से देखेगा, पक्का? मैं आपके सामने ऊपर जो साइन एक्स लिखा है उसमें एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं, नीचे एक्स माइनस ए को देख करके, मैं से जानबूझ करके एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स, और कितने लोगों को समझ में आया? ये मेरे लिए ए, ये मेरे लिए बी, और फार्मूला बन अपॉन में नीचे साइन एक्स माइनस ए, कितने लोगों को एक बोलना आता है? बोलो आप तो, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन में नीचे कितना? इसके, इसको इसके नीचे या उसके नीचे? तो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स, कितने इंटीग्रेशन दिख रहे हैं? तो ये और ये कैंसिल आउट, कॉस ए, रुको एक मिनट पहले आप बोल दो, क्योंकि पहली बार तो आप बच के भागे थे, कॉस ए का इंटीग्रेशन एक्स एक्स एक्स, सही है क्या? कितने लोग बताए कि कॉस ए तो बाहर, क्योंकि वो तो क्योंकि dx मान लो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos a कांस्टेंट है, रेडी? cos a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, रेडी? यहां से कौन बाहर? sin a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस ए डॉट dx। अभी अभी किसी ने बताया था, एक से cot x का इंटीग्रेशन सोचने में जा रहे हैं, cot x का log
log sin x, log sin x, धीरे धीरे याद होगा, log mod sin x, राइट है भाई, sin a कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटू में log mod sin x माइनस a, और x माइनस a का 1, x माइनस a का 1 उसे क्या दिखाना, इसका बोलो x cos a प्लस c। हाँ भाई खाने पकड़ में आ गई, कितने लोगों को लगता है कि और कुछ ठीक हो चाहे नहीं हो, टिग्नोमेट्री तो ठीक हो जाएगी अब, है ना, टिग्नोमेट्री भी बड़ा जबरदस्त। अरे ये तो अपन डिफरेंशिएशन के दौरान भी रेडी, अगला क्वेश्चन है, अगले दो क्वेश्चन एक साथ में, अब ये भी टाइम आएगा एक साथ में, हो सकता है मैं कई बार 15-15 क्वेश्चन एक साथ लिख दूं, रेडी, और फिर सबका एक जैसा इलाज। अभी धीरे 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 उस मुकाम तक आने दो, एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, राइट है, इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है dx डिवाइड बाई, राइट है भाई, यहां लिखा हुआ है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब ऐसा करता हूं, दो की जगह तीन कर देता हूं इससे, राइट है, इंटीग्रेशन ये सब क्या है ना, अलग अलग जगह पे मिलते हैं किताबों में, एक साथ देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये करना था, x माइनस ए cos x माइनस बी, है ना भाई, क्या 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 क्या, यहां कोई चेन में रखे क्या, अच्छा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी हो गया, अच्छा हाँ बेटा, साइन ए के आगे लिखा एल एन कॉट का होता है, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो एल एन मॉड साइन एक्स, साइन ए है ना, ये साइन ए तो ये रहा, साइन ए तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर पहुंच गया इंटीग्रेशन के, हाँ तो कॉट का, कॉट का एल एन साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का डिवाइड बाई वन, तो कॉस ए कॉन्स्टेंट था, डीएक्स का एक्स करा तो साइन ए तो पहले से बाहर है, कॉट का इंटीग्रेशन ये रहा, है ना, अच्छा चलो अगले भाई, हाँ भाई अगला, बड़ी छोटी सी एक बड़ी बकवास सी बात पूछ रहा हूं आप में से, उम्मीद है तीनों क्वेश्चन देख लिया आपने, कोई पैटर्न दिख रहा है, हर में एक्स माइनस एक्स माइनस बी ऊपर सबका खाली है, एक जल्दी से एक बात पूछता हूं, कितने लोगों को पता है कि ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है और ये दोनों सेम सेम नहीं है, है ना भाई, एक मिनट एक मिनट, आपने क्या बताया, ये दोनों सेम हाँ या ना, और ये दोनों भी सेम, श्योर है ना भाई, अच्छा ये दोनों डिफरेंट, ऐसा सोच सकते हैं ना भाई, डिफरेंट, अच्छा बहुत ही बकवास बात कहने वाला हूं, सेम किस शब्द से स्टार्ट होता है, एस से, अगर दोनों सेम सेम हो तो एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन से ऊपर नीचे गुणा करें, और अगर दोनों डिफरेंट हो तो कॉस से गुणा करें, याद रखने का तरीका, अब करना क्या वो सिखा रहा हूं, राइट है ना भाई, कैसे देखो जरा, एक छोटी सी बात और पूछता हूं, इसमें से घटा करके बताएगा कोई बच्चा क्या बचता है, x माइनस ए में से x माइनस बी घटा दे तो b माइनस ए, तो आप या तो b माइनस ए या a माइनस बी, दोनों में से किसी की भी साइन से गुणा कर दें, मैं आपको ये चीज आपको याद नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना, ये चीजें उल्टा आपको याद होनी चाहिए, कभी भी दो साइन अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई में है ना, तो हमेशा इन दोनों के अंदर वाले का डिफरेंस निकाल लो, उसके डिफरेंस को ऐसा कैसा या पलट करके साइन से ऊपर नीचे गुणा करके लिख दिया करो, खट्टे से क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एनीवे मैं बताता हूं, ऊपर नीचे आपने किससे गुणा करी, अब पहले बार लिख देता हूं, डीएक्स डिवाइड बाई ए क्वेश्चन करके दिखाता हूं, साइन एक्स माइनस ए इंटू में कितना साइन एक्स माइनस बी, जितनी देर में अपन ये बातें कर रहे हैं उतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करी, जैसे मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करी, ये नीचे मल्टीप्लाई होने गया तो नीचे कितने साइन बैठे हैं ऑलरेडी, दो, इन दोनों साइन ने इसको धक्का देकर बाहर फेंक दिया कि पहले से हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, तू और आ गया चल बाहर जा, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, राइट है भाई, लेकिन ऊपर कोई भी साइन नहीं था, ऊपर ये राजा बन के बैठा, राजा बन के बैठा माने फैल के बैठा है भाई, कैसे फैल के बैठा देखना, नीचे की तरफ ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, साइन एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस बी, आप में से किसी को बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये जो भी लिखा है ऊपर जो साइन ए माइनस बी लिखा है इसे मैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूं क्या,
क्या वो मेरी बात समझ में आई आपको? कितने लोगों को ये पता चल रहा है कि आगे के आगे मेरा एक स्टेप चल गया आपके हाथों में? कितने लोगों को फील आ गई कि सर हम फार्मूला लगवाएंगे साइन ए माइनस बी का? साइन ए माइनस बी का फार्मूला भूल गया मैं, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। एक मिनट क्या क्या बोला? साइन ए की जगह एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, माइनस में कितना? कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए एंड होल डिवाइड बाई ये किसके नीचे? इसके या उसके? एक मिनट दोनों के नीचे लगेगा तो याद तो हो जाएगा कितना? साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी। अच्छा और ये माइनस, ये तो माइनस है ना। अच्छा और नीचे क्या बता रहे थे आप लोग? साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी। क्या लग रहा है, कोई आवाज आई क्या? ये आई हाँ ना। अच्छा ये इधर भी तो आई थी हाँ ना। कितने लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन में जो बचा वो क्या बचा था? इंटीग्रेशन में बचा था कॉट एक्स माइनस ए, लिखू भाई कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी। अच्छा मैं भूल गया यार, फिर से कॉटेक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब धीरे धीरे याद होगा कॉटेक्स का, तो इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग साइन एक्स माइनस बी। कर लोगे कितनी देर में? 60 सेकेंड। तब तक ठीक है, मैं अपने जो 20-30 बच्चे हैं जिनको मैं ढूंढूंगा उनसे वो बात कह दूं कि भाई ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुक्का लगाया कोई, ठीक है ना। और ऐसी बात भी नहीं है कि अपने खजाने में कोई कम तीर है। है ना, अभी कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बेटा बाद में करूंगा मैं, कुछ भी कमी रहेगी सब बाद में देख लूंगा। हाँ मल्टीपल रह गया, ये कह रहे हैं वन अपॉन में साइन ए माइनस बी, ठीक है भाई वो आप संभाल लेना, वन अपॉन में साइन ए माइनस बी आगे लिख लोगे? हाँ भाई, तब तक मैंने जो बोला था मेरे वही 20-30 बच्चे जो खतरनाक आप धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे है ना, वो सोचे और सोच के जवाब दें। सिर्फ मन की आंखों में देखना अपने को, पेपरलेस काम करेंगे। रेडी? सिद्धार्थ, संजीव, शर्मा, सेठ जी, अपने अपने आदमी, नए नए आदमी जो खतरनाक हैं, जो समझते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूं। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है डी थीटा डिवाइडेड बाई, कितने लोगों को दिख गया डी थीटा डिवाइडेड बाई लिखा है? दिख गया डिवाइडेड बाई नीचे साइन साइन लिखा है? नहीं आया समझ में? दिख गया डी थीटा डिवाइड बाई साइन ये और साइन ये, दिखा के नहीं दिखा? अगर दिख गया तो दोनों तरफ साइन साइन लिखा है, मैंने सेम सेम लिखा है, तो ऊपर नीचे किसकी गुणा करूंगा? साइन इन दोनों के डिफरेंस की। अब जरा रुक करके सोचना, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस करते थीटा से थीटा कटा, बोलो हाँ या ना? अच्छा कितने लोगों को दिखता है? बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने लोगों को एम पाई बाई फोर दिख रहे हैं? एम पाई बाई फोर दिख रहे हैं क्या? और उधर भी कट गया क्योंकि डिफरेंस मैंने घटा रहे हो, कितना रह गया बोलो? माइनस पाई बाई फोर। इसका मतलब मेरे को ऊपर नीचे किसकी गुणा करनी चाहिए? साइन या तो माइनस पाई फोर या साइन पाई बाई फोर। अब मैं आपके सामने पहली लाइन लिखता हूं वन अपॉन में साइन पाई बाई फोर, वो भी बाहर। आप इनसे पता चल गया क्यों बाहर? ऊपर की तरफ मैं जो लिखूंगा साइन पाई बाई फोर फैल के लिखूंगा, सही है ना भाई? और नीचे की तरफ आपके सामने जो भी, कॉपी नहीं करना, ये कॉपी करने के लिए नहीं खेलता मैं, ये मैं तो सिर्फ आपके, आप में से कई लोगों के लिए ये बात बताने के लिए कि यार ये सब तुक्का नहीं है, ये विधियां हैं, ये किसी जगह किताब पर थोड़ी लिखी होती है, तो सिर्फ एक्सपीरियंस लिखता है कि ये ऐसा ही होगा। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि यहां साइन ए माइनस बी लिख रहा हूं भाई मैं, और मेरे को साइन पाई बाई फोर लिखना है, साइन पाई बाई फोर, और मैं लिखता हूं देखो साइन पाई बाई फोर थीटा प्लस एम पाई बाई फोर माइनस थीटा माइनस में एम, सॉरी है ना, एम माइनस वन पाई बाई फोर। उम्मीद है आपको देख रहा होगा पाई बाई फोर। देखो आप जिन लोगों को पता है वो थीटा थीटा सेट सेट कट रहा है, एम पाई फोर से एम पाई फोर कट रहा है और बच रहा है पाई बाई फोर। फिर ये आप इनसे कितने लोगों को दिख रहा है कि ये खुल गया? किसका फार्मूला? साइन ए माइनस बी और सबके नीचे डिवाइड खटखट खटखट जो भी बचेगा आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन विधियां सबकी समान है। आपको एक क्वेश्चन याद होना चाहिए ढंग से कि अच्छा इसमें ये इलाज चलता है
ओके, इसमें इस तरह से इलाज करते हैं नहीं? अरे आर यू रेडी गाइज? अरे बुआ, पिंकी बुआ, साइन टू एक्स डॉट डी एक्स डिवाइड बाई नीचे दे रखा है साइन, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स, इंटू में साइन, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। हाँ भाई, कितने लोगों का आइडिया पड़ गया कि ये, और ध्यान से देखना ऑलरेडी सेम वे सेम सेम है, लेकिन सुनना साइन की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन की मल्टीप्लाई है, बस उसे किस में देखना है, जो ये लिखा हुआ उसे किस में देखना है, डिफरेंस में, नहीं है कहीं पकड़ में, या तो डिफरेंस में या सम में, जो आप देख सकते हो देखो। कितने लोगों को क्लिक कर रहा है कि जो लिखा है ये 2x, ये इन दोनों का सम है, और अब की बार डिफरेंस देखने से अच्छा सम है। नहीं आई कहानी पकड़ में? क्या मुझे आगे जाना चाहिए या अपने आप पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे, तो ये लिख लीजिएगा, यूज साइन ए प्लस बी एंड डिवाइड एंड सॉल्व, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स इंटू साइन एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स डॉट डी एक्स। चलो आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला चिल्लर क्वेश्चन, साइन एक्स डिग्री डॉट डी एक्स। आपको पता होना चाहिए चाहे एक्स डिग्री डिफरेंशिएशन में हो चाहे इंटीग्रेशन में, डिग्री का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि डिग्री में नहीं खेलते हम लोग, रेडियन में खेलते हैं। मैं डायरेक्ट बोल दूं? नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलता। चलो कितने लोगों को पता कि 180 डिग्री बोले तो भाई, वेरी गुड, और 1 डिग्री बोले तो भाई भाई 180। कितने लोगों को पता है एक्स डिग्री बोले तो पाई एक्स डिवाइड बाई 180, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है साइन पाई एक्स अपॉन 180 डॉट डी एक्स। जल्दी से बोल दो, एक मिनट रुक करके बोलना, अगर ये साइन टू एक्स होता कितना होता? मेरी बात में मेरे साथ हो ना भाई? अगर ये साइन टू एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइड बाई पाई अपॉन 180। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये कैसे आया? कॉन्स्टेंट का डिवाइड, पकड़ में आ गई, प्लस सी, ये नहीं बोला जब मैं बच गया। हाँ भाई, अगला प्रसंग कहानी पकड़ में आ गई। मन तो नहीं कर रहा इस क्वेश्चन का, लेकिन इस क्वेश्चन का रूप बिगाड़ना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अगर मैं सीधे ले गया तो मुझे मजा नहीं आएगा। अच्छा, यहां कॉर्नर में इसका शक्ल बिगाड़ता हूं। हाँ भाई, मेरे को अच्छा लगता है बार बार आपको यहाँ टच करने का। ये कितने लोग मेरे को जानते हैं कि इस बात में कि 1 प्लस कॉस एक्स बोले तो, एक मिनट बोला, एक सेकंड एक सेकंड, कितने लोग जानते हैं क्वेश्चन ये, कितने लोग जानते हैं? मैं उठाऊंगा नहीं ऐसे, हाथ ऊंचा कर लिया, चल बेटा तू ही बोल। हाँ भाई, 1 प्लस कॉस एक्स बोले तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सही ना भाई? तो कितने लोग सोचते हैं कि ये लिखा हुआ है डी एक्स डिवाइड बाई 2, बोलो तो सही, कॉस स्क्वायर, अरे 5x बाई 2, इसमें काहे की शर्म नहीं है? कितने लोगों का लगता है लिखा हुआ है 1 बाई 2, इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? हाँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? अरे sec स्क्वायर कितना? 5x बाई 2, इससे भी डरते हो बताओ। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का 10x, sec स्क्वायर x का 10x, तो 1 बाई 2 10 5x बाई 2 डिवाइड बाई 5 बाई 2 प्लस सी, नहीं आएगा नहीं? अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री ठीक हो जाएगी आपकी, बाकी कुछ हो जाए नहीं हो। हाँ भाई, नेक्स्ट बात हो इसी का, ये तो हुआ m1, अब आ जाओ m2, मेथड 2 करूं बात। अरे
आपसे तो पता है जोर आ जाता है ये निकलवाने की वन अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर होता है. एनीवे दोबारा दिमाग लगाते हैं. एक वर्ड यूज करता हूं हाँ भाई कितने लोगों को पता चल गया कि अगर मैं यहां पर रैशनलाइज करता यहां रैशनलाइज करता डायरेक्ट बोलना वन लाइन के अंदर ऊपर क्या होता वन माइनस कॉस फाइव एक्स नीचे होता वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव एक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव एक्स अच्छा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव एक्स. क्या बात बोल दी आपने. कितने लोगों को लगता है ये साइन स्क्वायर फाइव एक्स किसका इसका या उसका इसके नीचे गया तो कॉसेक स्क्वायर. अब की बार आपने मुट्ठी थोड़ी जल्दी खोली. माइनस इसके नीचे गया तो कॉट फाइव एक्स अरे वेरी गुड कॉट फाइव एक्स इंटू कॉसेक फाइव एक्स. क्या मेरी बात समझ रहे हैं. अच्छा कितने लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का इसका हो गया माइनस कॉट फाइव एक्स अरे वो भी तो बोलो अपॉन फाइव. अब तो हम बड़े हो गए भाई पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जवानी बढ़ती है आपकी देखो धीरे धीरे. हाँ भाई कॉसेक थीटा कॉट थीटा ना ना कॉट थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इसे लेकिन सेकेक टेन इसका सेकेक टेन इसका सेकेक कॉसेक एक्स कॉट एक्स का तो माइनस कॉसेक फाइव एक्स कॉट नहीं और डिवाइड बाई फाइव ये माइनस माइनस प्लस प्लस सी. हाँ भाई कौन सा आंसर सही ये या वो दोनों है ना समझ में आया. हाँ ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज्यादा उत्तर आ सकते हैं और कभी भिड़ाने की कोशिश ना करें हमेशा रास्ता बदलने ज्यादा बेहतर है. समझ में आ जाए तो भिड़ाने के चक्कर में जो आता है वो भी चला जाएगा. हो मधुर ध्वनि आ गई एफ डैश साइन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ वन इज इक्वल टू दे रखा है वन फाइंड एफ एक्स. धैर्य रखना ठीक है धैर्य इस बात का थोड़ी ना कि आप यहां पे बैठे हो धैर्य इस बात का कि पीछे की सीट भी मिलेगी तो जाने देना नहीं भी पढ़ने का मिले तो चलने देना. मैथ्स और ढंग से पकड़ना आ जाएगी. अरे तुम ए इलेवन वालों की और सुबह भी होती है शाम की भी होती है वो अब तो शरीर की कैपेसिटी बन गई छठी है क्या छठी होने वाली होगी ना कितना अच्छा लगता है लाइन ही कितनी अच्छी लगती है छठी है ना लेकिन हाँ भाई अब जरा इधर दिमाग लगाओ. अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये इस तरह की कहानी में जरा धीरे धीरे एंटर करते हैं एफ डैश साइन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स. ऐसे क्वेश्चन के अंदर तरीका समझना थोड़ी सी देर के लिए मैं अगर साइन एक्स को टी मान लूं तो हमें से कितने लोग समझते हैं कि दिया गया है कि एफ डैश टी इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर. हाँ यार कितने लोगों को लगता है कि एफ डैश से मेरे को क्या निकालना है एफ एक्स. तो मेरे को एफ डैश से एफ एक्स तक आने के लिए क्या करना चाहिए इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर गई तो एफ डैश से एफ एक्स आते हैं. हाँ है ना तो मुझे यहीं से इंटीग्रेशन के बारे में सोचना चाहिए. अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन और एफ डैश टी लगाऊंगा तो उधर डी टी और उधर वन माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी हो जाएगा. अरे उधर वाला भी तो कहेगा मुझे भी तो पहना अकेले पहनने का क्या एफ डैश टी का इंटीग्रेशन बोलो बहुत ही शानदार एफ टी. अच्छा कितने को पता है वन माइनस टी स्क्वायर का t माइनस टी क्यू बाई थ्री प्लस सी क्या कहते हो. अच्छा कितने लोगों को लगता है कि एफ टी बराबर सुनो 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 ये प्लस सी है ना नहीं नहीं इधर एक ही तरफ लगेगा ना इधर और उधर में से भाई उधर वाले का इसमें से घट जाएगा कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट घट गया इधर रहेगा ठीक है. अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये जो सी बचा यही अड़चन है. सुनना क्यों अड़चन है. अच्छा छोड़ो बाहर में गया अब में से कितने लोगों को लगता है कि एफ वन इज इक्वल टू वन यू ही दे रखा है सोच के दिया है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट F1 is equal to 1 में क्या 1 रखना है. अब क्या बता रहे हो मेरे को किसकी जगह 1 रखूं T की जगह 1 रख दूं तो F1 आ जाएगा. एक मिनट एक मिनट एक मिनट इससे पहले कि आप भूल जाओ क्योंकि आप कह के भूल जाते हो T is equal to 1 रख दूं कितना बन जाएगा
F1 और यहाँ कितना 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस C. लेकिन F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू 1 कर दू. फिर ये 1 और 1 कट गया. C इज इक्वल टू कितना है? इस C का क्या करूं? वापिस उसको दे दू. ओहो, तो अपने पास में एक्चुअल में FT आ जाएगा. असली FT है ना, असली FT. असली FT कितना है भाई? T माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी की जगह 1 बाई 3. कितने लोगों को लगता है कि एफ टी अगर इतना है तो एफ एक्स कितना होगा? बोलो बोलो, आज आप बोलो एफ एक्स. एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 1 बाई 3. क्या ख्याल है आपका? कहानी पकड़ भाई, है ना? कोई चेंज? साइन एक्स, ओके. नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं, अब तो यूज हो गया. बेचारा साइन एक्स तो कब का गोली हो गया. साइन एक्स तो आया इसलिए था कि टी की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर फिट करके चला जाए. आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा हाँ, मेरी तरफ से हम छूटे हुए हैं, है ना? अरे कैसी बातें करते हैं यार, इनको धीरे धीरे समझ में आएगा है? मैं या तो जिंदगी में आता नहीं हूं. ये आपको क्या लग रहा है मैं इतनी देर तक जो चिल्लर उछाल रहा था इसके लिए थोड़ी ना शो मतलब बना हुआ था. मेरे को तो क्वेश्चन कुछ और कराने होते हैं, मैं तो कहीं और पहुंच जाता हूं आपके चक्कर में. स्लो और धीरे होते होते 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में नीचे दे रखा है x² + 1 राइट है. ये अपने घरेलू मैदान का क्वेश्चन है ना. घरेलू मैदान का मतलब होता है ऐसा समझिए कि ये बहुत पहले से मैं करवाता आया, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है ना? अच्छा, किसी दिन गड़बड़ कब हुई? जब IIT ने ये क्वेश्चन दे डाला और बच्चों को बहुत ही खुशी मिली क्योंकि उन्हें ये क्वेश्चन भी याद नहीं था और ये क्वेश्चन हो नहीं पाया, ठीक है? लेकिन जिन्हें याद था उन्हें बहुत अच्छा लगा. और यार दोनों क्या मिलते हुए क्वेश्चन है ना. उन्हें बस इतना से याद रखे था नीचे x² + 1 है. कितने खुश हुए मेरे. देखो सर, दोनों में मैथ तो कर गया था. अच्छा एनीवे, अच्छा कितने लोगों को भाग लगाना आता है? ऊपर की डिग्री बढ़ी है. आप सुनना, आप घर जाकर के इसमें डिवाइड मार लेना, लेकिन अभी सुनो, अभी नहीं जाना, ठीक है? एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, बहुत जल्दी जल्दी मैं दोनों क्वेश्चन खड़ा कर दूंगा, है ना? आप कॉपी करने की बजाय फोटो खींच लेना, है ना? सोच के जवाब देना. ऊपर कितना? पहला नंबर पे विकेश, ऊपर x की पावर 5. मेरे पास नीचे कौन है? x² + 1. मेरे को x² से x की पावर 5 बनाना है. किसकी गुणा करूं? x³ तो मैं आपके सामने लिख देता हूं x³. नीचे की तरफ जो x² + 1 है ना उसको छेड़ ही नहीं रहा, राइट है भाई? अच्छा ऊपर x की पावर 5 को x³ से मल्टीप्लाई कर दूं. सोचो ना, यही तो ना. अरे बात समझ में आई आपको? अरे x³ 5 बन गया ना, लेकिन एक लफड़ा हो गया. एक जानबूझ करके कौन आ गया? x³ आ गया. लेकिन पीछे क्या है? -x³. अच्छा. तो मेरे को इसको x³ को -x³ में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -2x³ बनाना पड़ेगा. सुनने देना, -2x³ बनाना पड़ेगा. नहीं, ये बात पकड़ना. अगर -2x³ पीछे बन गया तो ये वाला x³ और पीछे का -2x³ मिलकर के -x³ बच जाएगा. बात पकड़ में आ रही है आपको? मुझे चाहिए -2x³ और वो भी x² + 1 से. तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता 2x × x² + 1 कर दो सर? Yes, sir. अरे मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या? Yes, sir. इन दोनों की गुणा क्या दे देगी? बोलो. -2x³ और पीछे का x³ और ये मिलकर के माइनस का x³ वापस बैलेंस हो गया. Yes, sir. लेकिन एक लफड़ा हो गया. माइनस का 2x आ गया. Yes, sir. अरे एक जगह से पैर निकाल तो दूसरे में पैर बचा है. जैसे टायर में होता है ना, इधर वाले में निकाला पता चलो उधर वाला उधर गया. अब जल्दी सोचो ये कितना हो? -2x. लेकिन सरकार ने कितना दिया? -x. तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2x. एक मिनट, प्लस का 2x करते तो माइनस का x थोड़ी ना बचेगा. प्लस का x. ओके, तो मैं प्लस का x एक बार छोड़ दूं. बैलेंस. अरे नहीं आई पकड़ में बात. आगे तो सर, लेकिन लफड़ा हो गया सर. लफड़ा क्या हो गया, है ना? ध्यान से सोचना, ये दोनों बच गए. देखो इसका भला हो गया, x का भला हो गया, ये दोनों बच गए. अच्छा कितने लोगों को लगता है कि x² + 1 से? सोच के जवाब देना, बस धीरे धीरे समझ में आएगा. मेरे को x² + 1 से इन दोनों को निकालना है. तो मैं आपके सामने लिखता हूं 3x² × x² + 1.
कितने लोगों को लगता है एक और जने का भला हो गया? कितना? मल्टीप्लाई करके बोलो, 3x की पावर 4, इसका भला हो गया। लेकिन एक चीज फ्री में मिली, 3x स्क्वायर, जबकि सरकार ने कितना चाहिए था? 8x स्क्वायर। अच्छा एक, अच्छा एक मिनट, 5x स्क्वायर अभी उधारी है इस 8 से कहा? भाई प्लीज यार, 5+3 हो जाए यार, तो 5 कॉमन आ जाएगा यार, अंदर ही अंदर बन जाएगा x2+1। बोलो हाँ या ना। अब कौन बच गया? प्लस का 3। क्या ख्याल है? अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये करने के बाद अब एक ही काम बचता है, x2+1 का भाग, ये का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये का हो जाएगा, ये का हो जाएगा, एक मिनट, ये और ये अपॉन में ये रचेगा, हो जाएगा आगे पीछे हो जाएगा ना। अच्छा इसके अंदर हो जाएगा और 3 अपॉन x2+1 बचेगा, 3 तो आ गया बाहर, मैं भूल जाता हूँ, 1 अपॉन x2+1 का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x। अरे वाह, कौन बोला? अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड, यहां तक की बात समझ में आई आपको? अरे बड़ा जबरदस्त गेम है, आप 5 बार देखोगे ना, आपको सन्नाटा तक कर क्या रहे थे सर, वो तो रहा था समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा जल्दी समझना, इंटीग्रेशन में x की पावर 4, कितने लोगों को पता है कि ये बोलो या x-1 की होल पावर 4 बोलो एक ही बात होती है? Yes, सबसे मुश्किल बात पूछी मैंने। Yes, मानते हो आप ये बात? Yes, अच्छा कितने लोगों को बाइनोमियल थ्योरम याद है? Yes, sir. याद है? Yes, क्योंकि आसानी से खुलेगा नहीं। Yes, पहले लिखता हूँ 4c0 x की पावर 4 उर्फ x की पावर 4, फिर माइनस 4c1 बोले तो 4x³, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 4c2 6x² माइनस 4x+1 लिख दिया, अपॉन में कितना? x² + 1। इंटीग्रेशन से पहले हो गया x^8 प्लस के अंदर कितना? अरे रे, माइनस में कितना? 4x^7 प्लस में 6x^6 माइनस में 4x^5 प्लस x^4 अपॉन में नीचे कितना? x² + 1। वापिस एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है ना, जिसको वो नहीं आया उसको तो 100% ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसे पता है उसके पास ज्यादा लाइफलाइन नहीं है, है ना भाई। x^8 को x² + 1 से निकालना है, इससे वो बनाना है x^6 x² + 1, है ना। लेकिन एक लफड़ा हो गया, x^6 आ गया, सही चाहिए कितना था? 6x^6, अभी भी कितना और बचा है? 5। तो 5x^6 को x² + 1 से निकाल रहा हूं, तो 5x^4 x² + 1, क्या ख्याल है? आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन एक लफड़ा हो गया, 5x^4 आ गया, जबकि हमारे को चाहिए था x^4, तो कितने की उधारी छोड़ दूं? माइनस 4x² इंटो में x² + 1, क्या ख्याल है? अरे समझ में आ रहा है क्या? श्योर है क्या? अच्छा 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 एक मिनट, ये इन दोनों से x^4 बन गया, लेकिन एक लफड़ा हो गया, माइनस 4x² और इसमें 4x² है नहीं। अच्छा एक सेकंड, क्या करूं प्लस का? बोलो, आप तो बोल दो 4x² कर दो, श्योर है? लेकिन एक और चक्कर भी है, कितने लोगों को पता है कि ये और ये बचा है? हाँ या ना। अच्छा और इन दोनों में इससे, इन दोनों को इससे बनाना है। अच्छा क्या करूं बोले आप तो? -4x^5 इंटो में x² + 1 बन गया क्या? बन गया क्या? है ना, डिवाइड, आंसर। डायरेक्ट डर के देखना, वही तो मैं कह रहा हूं, अब आप घर जाना, डायरेक्ट डिवाइड करके देखना, देखिए आपको डिवाइड आता है क्या। अगर डिवाइड आता है यही तो देखना है, आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन जब आप करोगे तब आपको लगेगा नहीं आता, यही सोच के आना, कल सोच के आना कि डिवाइड मेरे से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।